बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है बाउंड्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करनी है, जो कि मतलब फंक्शन हमारे पास गिवन होंगे और उनकी हम लोगों ने चेक करनी है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के जो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि एग्ज़ाम में पेपर में आते रहते हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन करवाए, जो कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं और पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फजूल क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि वो पेपर में नहीं आते। आप लोगों को वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि पेपर में आते हैं, ताकि आप इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 बाउंड्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज पेज नंबर 34 पे दी हुई है। इसमें कहता है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, हम लोगों ने हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा, उसको हम लोगों ने चेक करना कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती हैं। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या तरीका कार होता है, उसके बारे में पहले आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये नोट कर लें कि फॉर कंटिन्यूटी के लिए पहली कंडीशन जो होती है वो हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी वैल्यू, मतलब हमारे पास जो फंक्शन होता है उसमें हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं तो उस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब ये है कि उसका रिजल्ट जो है अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं, ये पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि जब हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट कंडीशन है हमारे पास थर्ड वाली, वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास एफ ऑफ ए। मतलब ये पहला और दूसरा जो रिजल्ट होगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा और इसका जो जवाब आएगा, इन दोनों का जवाब क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ये इसकी क्या है, थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉड। इसको पढ़ते हैं एक्स का मॉड या मॉडलेस फंक्शन पढ़ते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स जो है, ये वाला जो एक्स है ये बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर को। रियल नंबर क्या होते हैं, मतलब प्लस माइनस नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। फॉर आल एक्स इन आर, वो कहते हैं इसकी आप लोग फाइंड आउट करें कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करें, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो इस फंक्शन को जो कहते हैं हम लोग मॉडलेस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, मॉडलेस फंक्शन भी कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्स का मॉड दिया हुआ है, इसको मॉडलेस फंक्शन भी पढ़ते हैं या इसको हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सबसे पहले तो आप लोगों को इस फंक्शन के बारे में इल्म होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये देखें, हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स जो इज इक्वल टू होता है एक्स का मॉड, ठीक है, ये मॉडलेस फंक्शन होता है, ये इक्वल टू होता है एक्स के जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके हो, जीरो के। इसका रिजल्ट नेगेटिव एक्स आता है जब एक्स की वैल्यू हो लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये देखें, अगर हम ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स का मॉड, अगर हम लोग एक्स की जगह पे 5 पुट करें तो 5 का मॉड क्या आता है, 5। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन जीरो क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 या इक्वल टू जीरो। इसमें जीरो पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करोगे, जो नंबर पुट करोगे वही रिजल्ट आएगा, जिस तरह लिखा हो यहाँ पे x। ठीक है,
इसी तरह जब वो कहता है कि एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब जब इसमें हम लोग नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट आता है माइनस एक्स आता है। क्या आता है? माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल जब इसकी जगह पे हम लोग माइनस फाइव पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव और ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस फाइव। लेकिन वो कहते हैं जब x लेस देन जीरो तो इसके साथ नेगेटिव साइन भी क्या हो जाता है, पहले तो ये ओरिजिनल x आता है जिस तरह ये था, लेकिन जब नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो उसके साथ माइनस का साइन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस फाइव। अब ये तो हमें पता चल गया कि जब इसमें हम लोग पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे या नेगेटिव नंबर पुट करेंगे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसका जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव नंबर में आएगा। ठीक है, तो चाहे इसमें नेगेटिव नंबर पुट करें चाहे पॉजिटिव नंबर पुट करें, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, या जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, इसकी हम लोग ने चेक करनी है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग ने ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, सबसे पहले कि ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और इसके बाद उस पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर इन दोनों के जवाब क्या होने चाहिए आपस में बराबर होंगे, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन, इसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। वी चेक, आप कोई भी रियल नंबर ले लें, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ ए पे। वी चेक कॉन्टिन्यूटी, वी चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जिस नंबर पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं वही आप लोग क्या कर दें उसमें पुट कर दिया करें। पहला स्टेप, ये वाला स्टेप वन, स्टेप वन या जिसको कहते हैं कंडीशन वन। ठीक है, अब देखें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए का मॉड, जिस तरह हम लोग ने 5 पोट किया था तो 5 आया था, इसी तरह ए का मॉड क्या आ जाएगा, ए के। ये स्टेप वन हो गया हमारे पास। स्टेप टू में आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने चेक करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस और यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। ये देखें, ये हमारे पास क्या होती है, राइट साइड होती है, ये हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, ए से पहले नेगेटिव, ए के बाद क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स का मॉड। ठीक है, एक्स का मॉड। अब पुट हम लोगों ने ये ए ही करना है, लेकिन ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये हम लोग नेगेटिव साइड वाली जो लाइन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इसमें पुट कर दें ए का मॉड तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ पे प्लस लगाते हैं और ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स का मॉड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x approaches to a positive x का mod। अब x के mod पे यहाँ पे x की limit कितनी है, a, a यहाँ पे put करेंगे तो ये हो जाएगा a का mod। a का mod किसके बराबर होता है, a के। ठीक है, अब देखें left hand limit और right hand limit जो है इसका result बराबर है, इसको आप लोग नाम दे दें, ये वन है। ठीक है, इसको आप लोग टू का नाम दे दें, इसको आप लोग क्या नाम दे दें, थ्री का नाम ले लें। बाई टू एंड थ्री इसको हम लोगों ने लेफ्ट सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब क्या आया, आपस में बराबर आया। ठीक है, तो देख लें आप लोग टू और थ्री से, बाय टू एंड थ्री से हम लोगों ने चेक किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, मतलब इसका भी रिजल्ट आया इक्वल टू ए, इसका भी रिजल्ट आया इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब देख जब ये स्टेप टू किया तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जवाब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर आया, तो हम लोगों ने ये कहना है कि इस पे लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है,
अब देखें ले इसको, इस दोनों का जवाब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर आया, तो ये इसको नाम दे दें 4। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि जिस पे हम लोगों ने लिमिट पुट की, मतलब ये 4, और एफ ऑफ ए मतलब जिस पे हम लोगों ने डायरेक्ट लिमिट पुट की, स्टेप 1 और स्टेप 2 का दोनों का रिजल्ट बराबर आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, से बाय 1 एंड 4, ठीक है। वन स्टेप मतलब हम लोग जब डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इन दोनों का कंपैरिजन करके दोनों का रिजल्ट बराबर आया, तो ये 1 थी इक्वेशन, ठीक है, और इसके बाद इसको हम लोगों ने 4 का नाम दिया जब दोनों के रिजल्ट बराबर हुए, तो बाय 1 एंड 4 क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए, दोनों के रिजल्ट बराबर है, सो फंक्शन एक्स का मॉड इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक की, आप बी पे चेक कर सकते हैं, सी पे चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी नंबर पे चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे आप लोग ने सेम उसी तरीके से अगर 1 पे चेक करोगे तो ऊपर 1 लिखोगे, 1 माइनस, ये हमारे पास इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, और ये फंक्शन क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ये हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ब्रैकेट फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इसके हम लोग बाद में चेक करते हैं, सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन होता है। ये हमारे पास एक्स का ब्रैकेट फंक्शन है, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि अगर हम लोग इसमें 2 पुट करते हैं तो 2 का जो ब्रैकेट फंक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे 1 के बराबर होता है। अगर इसमें हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा, मतलब उससे पिछला, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2.5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने कौन सी लेनी है, 2। ये देखें, ये है 0.5, ठीक है, 0.5 ग्रेटर देन है या 2 ग्रेटर देन है, 2 ग्रेटर है, क्योंकि इस फंक्शन जिस तरह से फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा हम लोगों ने वो वगैरह लिखना है, ठीक है। इधर देखें, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ये है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है, 1.5, तो इसमें से हम लोग कौन सा लिखेंगे जो ग्रेटेस्ट होगा, 0.2 ग्रेटर देन है या 1 ग्रेटर देन है, 1 ग्रेटर देन है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर पॉइंट में होता है वो 1 से कम होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसमें नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल -2.5, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर यहाँ पे 2.3 है, ठीक है, इस तरह का कोई नंबर है, तो इस केस पिछले वाला जो नंबर होगा हम लोगों ने वो वाला लिखना है, तो 2.3 के लेफ्ट वाला कौन सा है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोगों ने 2 को लिखना है, कि ब्रैकेट फंक्शन में इसका क्या आएगा, अगर 2.3 हो ब्रैकेट फंक्शन में तो ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, अगर 2.4 हो तो फिर भी 2 आएगा, 2.5 हो तो फिर भी क्या आएगा, 2 आएगा। अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है ब्रैकेट फंक्शन में, ये देखें अगर यहाँ पे -1 है, -2 है, यहाँ पे कोई होगा -2.5 और यहाँ पे -3, तो ठीक है, तो इसके लेफ्ट वाला लिखना है, तो नेगेटिव नंबर में यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास -3 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इनमें से जो ग्रेटेस्ट होता है हम लोगों ने वो ही वाला लिख लेना है। अब हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की, कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है या नहीं होता। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, 3 किस्म की कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन क्या होती है, कि ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दूसरी फंक्शन क्या है, कि हमारे पास कंडीशन क्या है, कि उस पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए।
थर्ड क्या है कि इसका और इसका रिजल्ट आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो आप लोग कोई भी, यहाँ पे वो कहता है एक्स बिलोंग्स कर रहे रियल नंबर को, आप लोग कोई भी रियल नंबर ले लें और उस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ टू पे, ठीक है। वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं टू पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, मतलब इसमें जो जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी हो वो ही वाला नंबर इसमें पुट कर दो। तो पहले स्टेप में वन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन में हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, मतलब जो ये वाला नंबर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू का ब्रैकेट फंक्शन। टू का ब्रैकेट फंक्शन किसके बराबर होता है, हमारे पास वन के बराबर होता है, ठीक है। स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू में वो कहता है कि उस पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी चेक करेंगे और इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए भी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पे टू नेगेटिव और फंक्शन क्या है यहाँ पे एक्स का ब्रैकेट फंक्शन। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 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 का प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं एक्स का ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे है टू का, टू जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, टू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें टू पॉजिटिव पुट करते हैं, ये देखें अगर यहाँ पे है हमारे पास वन है, ये टू है, ठीक है, टू से बड़ा क्या होगा, यहाँ पे 2.3 ले लो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टू ही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, टू आ जाएगा। जब इसमें हम लोग पुट करेंगे, ये देखें टू का ब्रैकेट फंक्शन पुट करेंगे तो हमारे पास वो कितना आएगा, यहाँ पे टू आएगा। पॉजिटिव साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर टू यहाँ पे पुट करते हैं तो टू का टू ही आएगा, क्योंकि टू से ग्रेटर देन 2.3 होता है या 2.2 होगा या 2.1 होगा, तो उसके लेफ्ट वाला नंबर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग इसको, अगर आप लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे वन का, इसको टू का नाम दे देते हैं और इसको थ्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो बाय टू एंड थ्री लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये आपस में रिजल्ट बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो बाय टू एंड थ्री, ठीक है, टू एंड थ्री से क्या है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपस में बराबर ना हुआ, ठीक है। सो इसको आप लोग चाहे फोर का, जब दोनों का रिजल्ट बराबर नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये बराबर होता तो इसको हम लोग इक्वेशन का नाम देते, क्योंकि जब इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो फिर हम लोग उसको इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये बराबर ना हुआ, ठीक है, तो आप लोग ने लिखना है सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ब्रैकेट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी वन पे चेक किया, आप टू पे चेक कर सकते हैं, वन पे चेक कर सकते हैं, थ्री फोर फाइव किसी भी नंबर पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जो एक्स का ब्रैकेट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो x यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास x माइनस x का ब्रैकेट फंक्शन, इससे पहले हम लोग ब्रैकेट फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेम उसी मेथड से इसको भी हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं रियल नंबर है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू टू पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। वी चेक कंटिन्यूटी, वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू टू पे चेक कर लें। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इसमें लिमिट पुट कर देनी है। तो लिमिट जब पुट करेंगे आप लोग टू पुट कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू माइनस टू का ब्रैकेट फंक्शन, तो ये टू माइनस यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन, यहाँ पे टू है तो ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक उससे कम आता है, तो ये हमारे पे हमारे पास आ जाएगा वन, तो ये आ जाएगा वन, ठीक है। तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू आ गया वन, तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक रियल नंबर आ गया यहाँ पे, तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है।
नंबर यहाँ पे 0 1 पॉजिटिव नंबर आ जाए या नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका मतलब फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अगर इन्फिनिटी आ जाए तो हमारे पास ये वो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने स्टेप वन के लिए हम लोग क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेप टू करते हैं। स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू टू नेगेटिव साइन एक्स माइनस एक्स का ब्रैकेट फंक्शन। जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, टू माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वन आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव साइन लगाते हैं और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स का ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, जब इसमें हम लोग टू कोट करेंगे तो ये हो जाएगा टू माइनस टू का ब्रैकेट फंक्शन। ठीक है, अब देख लें जब पॉजिटिव नंबर आएगा तो हम लोग टू से ग्रेटर देन क्या होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा। ठीक है, तो जब डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे कम लिखते हैं। इसके अलावा जब लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो फिर भी उससे कम लिखते हैं। जब पॉजिटिव साइन आ जाता है राइट हैंड लिमिट के लिए तो उससे ग्रेटर देन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से ग्रेटर देन क्या होगा, या तो 2.1 होगा, तो इसमें से ग्रेटेस्ट क्या होता है, 2 होता है ना, तो हम लोग ब्रैकेट फंक्शन के मुताबिक 2 लिख लेते थे। तो ये होता, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। ठीक है, तो इसको आप लोग 1 का नाम दे दें। ठीक है, ये 1 है हमारे पास, ये 2 है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, कोई 3 है। ठीक है, तो बाय 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आया है। ठीक है, तो फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का ब्रैकेट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, आप लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, 1 पे भी चेक कर सकते हैं। अगर 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 के फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 होता तो फिर 0 आता जवाब। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 की जगह पे राइट हैंड लिमिट के लिए 1 लिखते। तो ये इसका था थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं इसका एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन एक्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास होता है सिग्नम फंक्शन। वो कहते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें, एक्स बिलोंग कर रहा रियल नंबर को एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस वन जब एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो हो। ठीक हो, ये जीरो होता है जब एक्स की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू जीरो हो। जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो इसका जवाब क्या होता है, हमारे पास प्लस वन आता है। देखें, जब एक्स की जगह पे एक्स लेस देन जीरो का मतलब एक्स की जगह पे हम लोग कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे माइनस वन रखें, माइनस टू रखें, माइनस थ्री रखें, माइनस फोर रखें, माइनस फाइव रखें, कोई भी नेगेटिव नंबर हम लोग एक्स की जगह पे रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस वन आएगा। जब हम लोग एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जीरो आएगा। यहाँ पे है एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन का जीरो का मतलब जब एक्स की जगह पे हम लोग कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे, मतलब वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, फोर रखो, फाइव रखो, सिक्स, सेवन, एट, कोई भी नंबर रखेंगे, जब पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, प्लस वन आएगा। ठीक है, तो ये इसकी थी एक डेफिनेशन। अब हम लोगों ने चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, इसका सोल्यूशन वी चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये स्टेप वन।
स्टेप वन में हम लोग जब x की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, जीरो आता है। इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि फंक्शन इज डिफाइन, मतलब हमारे पास कोई रियल वैल्यू आ गई यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन है। अगर यहाँ पे कोई इन्फिनिटी आता तो फिर हम लोग कहते फंक्शन अनडिफाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट लिमिट पुट करने से यहाँ पे x की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जीरो आएगा। स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं, जिस तरह लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं और इसके अलावा राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू a यहाँ पे जीरो नेगेटिव साइन लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, जीरो और यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, f ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a जीरो नेगेटिव साइन और f ऑफ x क्या है यहाँ पे, सिग्नम फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव साइन और यहाँ पे लिखते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ x। अब देखें जब लेफ्ट हैंड लिमिट x की वैल्यू हो लेस देन नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, जब x की वैल्यू हो लेस देन जीरो, ठीक है, लेस देन जीरो, तो इसके लिए क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे माइनस वन आता है। क्या आता है, माइनस वन आता है। जब x की वैल्यू हो जीरो से ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आता है हमारे पास रिजल्ट, क्या आता है, पॉजिटिव वन आता है। तो ये देखें ये हमारे पास था, इसको नाम दे देते हैं ये वन है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ये टू है, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे थ्री। तो बाय टू एंड थ्री से हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय टू एंड थ्री से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे फाइव, इसको हम लोग ने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे वो कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल में से वो कहता है थ्री शामिल नहीं होगा। आप लोग चेक करें कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, फंक्शन डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। अगर फंक्शन आ गया यहाँ पे डिफाइन तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वी चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री माइनस थ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वन, नीचे आ जाएगा जीरो, ऊपर कोई कांस्टेंट हो नीचे जीरो हो तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन का मतलब इन्फिनिटी आ जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अनडिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जब हमारे पास रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाता है तो रिजल्ट फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन वो कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या है, ये कि फंक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। तो ये तो अनडिफाइंड आ गया, इसको आगे हम लोग ने दूसरी और तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग ने लिखना है सिंस फंक्शन इज undefined at x is equal to 3, so f of x is equal to x minus 2 x minus 3 is not continuous function, ठीक है। ये function क्या होगा, not continuous होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको check कर लिया कि ये function क्या आया, not continuous है, ठीक है। जी स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन से लेकर फाइव तक चेक कर लिए कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूस थे, कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूस थे, ठीक है।
तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, या कोई भी ऐसा लेक्चर है मेरा इस चैप्टर का जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट्स करके लाजमी बता दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इस एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चन दे रह रहे हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।